हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का फैसला कितना उचित है और कितना नहीं, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदी में डॉक्टरी पढ़ाई कराने को लेकर अब उत्तराखंड में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे छात्रों के लिए मुफीद मान रही है, तो कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल खड़े करते हुए सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से डॉक्टरी छात्रों की हिंदी में पढ़ाई करने की घोषणा के बाद अब इस कवायद को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने पर काम हो रहा है। डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने को लेकर बाकायदा चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। अगले साल से डॉक्टरी करने वाले छात्रों की हिंदी में पढ़ाई हो, इससे पहले ही हिंदी मेडिकल को लेकर सूबाई सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने हिंदी मेडिकल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कापड़ी ने कहा कि बीजेपी एक तरफ कॉन्वेंट की तर्ज पर स्कूली शिक्षा को डेवलप कर रही है और दूसरी तरफ डॉक्टरी पढ़ाई को हिंदी में कराने का फैसला समझ से बाहर है। भुवन कापड़ी ने कहा कि इससे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए परेशानी हो सकती है। हम जो है सस्ती लोकप्रियता पाए, ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। फैसले 21वीं सदी के हिसाब से होने चाहिए। आज सारे स्कूलों को हमारी सरकारें सारे प्राइमरी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम कर रही है और अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही है प्राइमरी से, और मेडिकल की शिक्षा को कह रहे हैं हम हिंदी में पढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, हमने हिंदुस्तान को विश्व की रेस में शामिल करना है, उससे बाहर नहीं। हिंदी डॉक्टरी पढ़ाई को लेकर कांग्रेस इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है, तो भाजपा सरकार के लिए गए इस फैसले की जमकर सराहना कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने से हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ अन्य छात्रों को भी इसका फायदा होगा। निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो राज्य है वो विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है और यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे ही अधिकतर पढ़ने वाले होते हैं और उनको हायर एजुकेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में उनको कई प्रकार की कठिनाई थी। इस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो केंद्र की हमारे गृह मंत्री ने जो पहल की कि मेडिकल शिक्षा हिंदी में पढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड में भी वो लागू करने जा रहे हैं अगले सत्र से। निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो हमारे नौनियाल हैं जो आगे भविष्य में मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, उनको इसका एक तोहफा मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कमी हुआ करती थी, उस कमी को भी ये इस जो ये अभियान होगा इसको उससे दूर होगी। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से MBBS की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ हिंदी माध्यम में होगी। इसके बाद उत्तराखंड मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा। मगर इससे पहले उत्तराखंड में हिंदी मेडिकल पर हो रही सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना होगा। देखना ये भी होगा कि अगले साल से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने के बाद छात्रों को इसका कितना फायदा मिलेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।